मेरी सहायता कर दें, गरीब वकील बच्चा बेच रही हूँ, कब होता नहीं है, बहन जो वकील नहीं है किसी की, अब धकेले में चलती है। अब आप खुश हो? हाँ खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। एक छोटी सी पहल ने 90 साल की बुजुर्ग अम्मा की किस्मत बदल दी। इस उम्र में ठेले पर बथुआ बेचकर गुजारा कर रही अम्मा को आवास मिल गया, साथ ही वृद्धा पेंशन भी मिलेगी। और ये सब संभव हो सका वायरल वीडियो पर डीएम के संज्ञान से। जो सबसे बड़ी बात रही कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के सूचना सचिव ने स्वतः संज्ञान लिया। एक होता है कि हम मदद मांगे उनसे, लेकिन एक इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने स्वतः संज्ञान लेते हुए डीएम साहब को उस पे मेंशन किया। डीएम साहब ने बिल्कुल त्वरित, जिसको कहते हैं कार्रवाई करते हुए, सिर्फ कुछ ही घंटों में अम्मा को मकान आवंटित करा करके मकान की चाबी दे दी। इसके साथ साथ डीएम साहब ने तुरंत वहां पर पेंशन अधिकारी जो हैं जिले के, उनको बुलवाया, अम्मा की पेंशन बनवाई। साथ में वहां पे डीएसओ साहब थे जो राशन कार्ड थे इनका, अम्मा का सफेद राशन कार्ड था, उसको रेड में परिवर्तित कराया ताकि इनको 35 किलो प्रतिमाह राशन मिल सके। दरअसल हाथरस गेट क्षेत्र के गांव कचपुरवा की रहने वाली 90 साल की विधवा शांति देवी के पति का 40 साल पहले निधन हो चुका था। शांति देवी बथुआ बेच कर किसी तरह दो वक्त की रोटी जुटा रही थी, रहने के लिए बस एक त्रिपाल का सहारा था। लेकिन अब राष्ट्र स्वाभिमान दल के संयोजक दीपक शर्मा की एक छोटी सी कोशिश ने वृद्धा का जीवन बदल दिया। दीपक शर्मा ने बुजुर्ग अम्मा का बथुआ बेचते हुए वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो जब हाथरस जिला अधिकारी प्रवीण कुमार के पास पहुंचा, तो उन्होंने खुद इसका संज्ञान लिया। बुजुर्ग अम्मा को कलेक्ट्रेट बुलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक आवास आवंटित कर दिया गया है, साथ ही निराश्रित वृद्धा के लिए विधवा पेंशन की भी व्यवस्था कर दी गई है। 90 वर्षीय महिला का वीडियो वायरल हुआ था और उसमें यह था कि वो बथुआ बेचती है और उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, तो उसका हमने संज्ञान लेते हुए उसको एक घर का आवंटन किया और उसको 15 दिन का हमने राशन दिलाया और उसके जो पेंशन का फॉर्म है वो भरा लिया, तो उसको विद इन वीक पेंशन भी मिल जाएगी। एक छोटी सी पहल से अब अम्मा के चेहरे पर मुस्कान है और अब आवास मिलने के बाद सभी का धन्यवाद किया है। क्या कहना चाहेंगी? जी को भाई साहब ने मकान दिलवाया, पेंशन दिलवाई है, राशन भी दिलवाया, मकान रहने भी दिलवाया, खाने भी, दुकान भी खुलवा रही। अम्मा क्या कहना चाहेंगी लोगों के लिए आप? हाँ आशीर्वाद दीजिए को भाई साहब, रूम साहब को आशीर्वाद, आशीर्वाद सब सवालों को आशीर्वाद। हाथरस से उमाकांत पुंडीर की रिपोर्ट।